Now let's see, move on the next topic, which is related to subject verb agreement rule number 4. Free rules हम लोग पिछले की वीडियोस में कर चुके हैं, मैंने आपको free rules करवा दिए हैं. अब हम लोग move कर रहे हैं rule number 4 पे. If similar subjects are preceded by each or every, the verbs should be in the singular form. क्या कह रहा है? कह रहा है अगर हमारा जो subject है वो singular है, मतलब ज़्यादा एक से ज़्यादा subject है, या अगर सपोज हमारा वन ही सब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर उसके आगे प्रीसीडेड विद ईच और एवरी, अगर हमने उसके आगे ईच या एवरी लगा रखा है, तो क्या होगा, हमारा जो वर्ब होगा, द वर्ब शुड बी इन द सिमिलर फॉर्म. तो आपका वर्ब भी सिमिलर फॉर्म में ही होना चाहिए. दिस मीन्स कि अगर हमारा सब्जेक्ट के आगे ईच लगा है या एवरी लगा है, तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट होगा, पर जो वर्ब होगा, वर्ब भी हमारा सिमिलर भी होगा. ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल इज एवरी बॉय एंड गर्ल इन आवर क्लास वाज रिक्वायर्ड टू प्ले रोल इन द ड्रामा. देखो यहाँ पर हमारा एवरी लगा हुआ है, एवरी बॉय एंड गर्ल, मतलब हर एक बॉय और हर एक गर्ल को, हर एक लड़के और हर एक लड़की को हमारी क्लास की वाज रिक्वायर्ड, बिल्कुल एकदम उसको रिक्वायर्ड था, उसको मतलब प्ले करना ही था रोल ड्रामा में. तो इसमें हम लोगों ने कहा यहाँ पर एवरी एवरी है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ईच बॉय और ईच गर्ल इन द क्लास, बट टॉकिंग अबाउट द एवरीवन, हम लोग सबकी बात कर रहे हैं इधर. तो एवरी बॉय एंड गर्ल इन आवर क्लास वाज, यहाँ वाज लिखा है, वन नहीं लिखा है, इधर हम लोगों ने लिखा है वाज. वाज हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वाज लगाया, बिकॉज वी हैव रिटन हियर एवरी. अगर अगर इनके से कब का, अगर एवरी के जगह पे भी ईच भी होता है, ईच बॉय और गर्ल इन आवर क्लास वाज रिक्वायर्ड टू प्ले रोल इन द ड्रामा, तभी आपको वाज ही लगाना, तभी आप वर्ड लगाओ. नाउ द नेक्स्ट इज ईच डे एंड नाइट ब्रिंग्स अ न्यू मैसेज फॉर अस. ईच लिखा हुआ है, डे और नाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, वेट ऑफ द डे एंड नाइट, द वर्ड इज प्रीसीडेड बाय द ईच, by the word each, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज करा है, we have written brings, bring नहीं लिखा हमने, इधर brings लिखा है, क्योंकि यहाँ पर each है. या अगर आप इसको समझ, अगर आप समझ के लिखना चाहो तो ये कह सकते हो कि हर एक दिन, हर एक दिन हर एक रात, मतलब हम लोग हर एक दिन हर एक रात की बात कर रहे हैं. वो क्या करता है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ नया मैसेज लेकर आता है. तो हमने यहाँ पर इसलिए brings लगाया है, we are talking about each day and each night, every day and every night. Now the next is, each of the student leaders agrees that there should be peace in the campus. So again, हम लोग यहाँ पे each लिखा है, each of the student leaders, मतलब जो भी, मतलब student, मतलब students के जो भी leaders है, हर एक leaders को, हर एक बच्चों के हर एक leader को, each of the students leader, बच्चों के हर एक leader को agree होना पड़ेगा. वो अग्री कर रहे थे कि देयर शुड बी पीस इन द कैंपस, कि हमारे कैंपस में पीस होना चाहिए, मतलब शांति होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम लोगों ने अग्री के साथ एस लगाया है, मैंने आपको बताया था हम लोग एस या ई एस जब भी ऐड करते हैं तो हमारा जो वर्ब आपका जो सिंगुलर है, तभी आप उसमें एस या ई, मतलब अगर अगर वर्ब में एस या ई एस ऐड हो गया, दिस मीन्स कि हमारा वो सिंगुलर वर्ब है. तो हम लोगों ने इसमें अग्रीज लिखा है, बिकॉज वी हैव रिटन हियर ईच.